बारिश का वक्त था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी। अनिका का मन इस मौसम को देखकर कुछ बढ़िया चटपटा खाने को उछल रहा था। वो जल्दी से रसोई में जाती है और खुद से बोलती है, हाय क्या मस्त मौसम है। जल्दी से हरी मिर्च के चटपटे पकौड़े बनाती हूँ, वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। उफ, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है, जल्दी से बनाकर खाती हूँ। इतना कहकर अनिका खुद के लिए पकौड़े और चटनी बना लेती है, जिसके बाद वह उस पर चाट मसाला डालकर और मिर्च मसाला डालकर गरम गरम पकौड़े चटनी का मजा लेती है। कुछ देर बाद अनिका की माँ वीना रसोई में जाती है और रसोई को बिखरा देख गुस्से में बोलती है, अनिका अनिका इधर आ तू। अरे ये सब क्या किया है तूने रसोई में? पहले ही बाहर तूफान आ रहा है, तू रसोई में क्यों ले आई? माँ क्या हुआ, आपको पता है ना मुझे कितना चटपटा खाने का कितना ज्यादा शौक है, इसलिए मिर्ची के पकौड़े और चटनी बनाई थी। अरे मत खाया कर इतना चटपटा, यह तुझे किसी दिन भारी पड़ जाएगा। अरे घर में सबके नाम का मसाला तू ही खा जाती है। अरे माँ कुछ नहीं होगा, चलो आप बैठो, मैं कर देती हूँ सफाई रसोई की। अनिका की बात सुनकर वीना रसोई से बाहर चली जाती है, जिसके बाद अनिका सारी रसोई साफ कर देती है। वक्त गुजरता जाता है पर अनिका का चटपटा खाने का क्रेज कम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन अनिका की दोस्त पायल न्यूज़पेपर लेकर उसके पास आती है और एक एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हुए बोलती है, दिल्ली का सबसे चटपटा खाने का कंपटीशन। इस कंपटीशन को जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 2,00,000 का इनाम। देर ना करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं और चटपटी क्वीन या किंग बनकर इनाम अपने संग ले जाएं। ओए ये तो तेरे लिए ही है, कितना चटपटा तू खाती है कितना कोई नहीं खाता, तू हिस्सा ले ले, कोई हरा ही नहीं सकता तुझे। हाँ हाँ मेरी जान, इस कॉम्पिटिशन की क्वीन तो मैं ही बनूंगी। चल चल जल्दी चल, 1,00,000 का इनाम और चटपटा खाना हमारा वेट कर रहा है। वह कंपटीशन के लिए समय पर पहुंच जाती है। कंपटीशन शुरू होता है, सबसे पहले तीखे बड़े बड़े गोलगप्पे दिए जाते हैं, उसके बाद मसाले से लबालब दाबेली खिलाई जाती है। अब तक लगभग 4 डिश खिलाई जा चुकी थी और सभी कंपटीशन से बाहर हो गए थे सिवाय अनिका और एक लड़के जिसका नाम रुद्र था। अब लास्ट टर्न उन दोनों के बीच होना था, जिसमें चोलो चिप्स वाला तीखा चटपटा बर्गर खाना था। अनिका एक बार में बिना पानी का एक घूंट पिए कुछ ही सेकंड्स में पूरा बर्गर सफाचट कर देती है और कंपटीशन जीत जाती है, जिस पर रुद्र उसे बधाई देते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा यार तुम तो बहुत कमाल हो, इतना ज्यादा चटपटा तुम एक बार में खा गई और एक बार तक पानी नहीं पिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम जीत गई हो। थैंक यू थैंक यू। अरे अनिका बनी ही चटपटा खाने के लिए है, अगर आज जीतने के लिए कुछ और भी खाना होता तो खा जाती, थोड़ी जगह है अभी मेरे पेट में। अच्छा ये बात है, बाय द वे आई एम रुद्र, मैं ऐसे फूड चैलेंजेस करता रहता हूँ। ओह नाइस, आई एम अनिका, ये मेरा पहला ही था। ऐसे ही बात करते करते रुद्र और अनिका में दोस्ती हो जाती है और दोनों आपस में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ ही वक्त में दोनों के परिवार वाले रुद्र और अनिका की शादी करवा देते हैं। ऐसे ही एक दिन अनिका अपने ससुराल में चटपटी पापड़ी चाट बनाती है और अपनी सास रीमा को खाने के लिए देती है। रीमा चाट चक्कर बोलती है, अरे बहू क्या बना लिया, अरे कौन कौन से मिर्च मसाले डाल दिए तूने इसमें इतना ज्यादा चटपटा। माँ जी हैं कुछ मेरे सीक्रेट्स मसाले, वही डाले हैं। अच्छा बना है ना, रुद्र ने लगता है आपको बताया नहीं कि मैं कितना ज्यादा चटपटा खाती हूँ, मुझे दिखाइए माँ जी मैं स्वाद चखूँ। माँ जी ये तो फीका है, अभी तो इसमें और मसाले ऐड करने पड़ेंगे। अरे पागल हो गई है क्या बहू, इतना मिर्च मसाला खाना अच्छी बात नहीं है, और अब तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन कल को तुझे तो माँ बनना है, तेरे जीवन पर ये मिर्च मसाला भारी पड़ जाएगा। अरे माँ जी अब खामा का इतना सोच रही है, कुछ नहीं होगा आप चिंता मत करो। अरे मैं आज से नहीं पता नहीं कब से चटपटा खा रही हूँ, तब से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। देख बहू कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए वक्त रहते संभल जा, मेरा काम तुझे समझाना था तो समझे ना समझे ये तेरी अक।
वहाँ से चली जाती है और अनिका मजे से अपनी चटपटी पापड़ी चाट खाती रहती है। वक्त गुजरता जाता है और अब अनिका का चटपटा खाना और ज्यादा बढ़ता जाता है। अब वो खुद तो चटपटा खाती ही थी, साथ ही घर के बाकी लोगों को भी खिलाया करती थी, जिस वजह से अक्सर ही रुद्र और रीमा का पेट खराब रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन गुस्से में रुद्र अनिका से कहता है, अनिका मैं और माँ तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं कि हम दोनों इतना चटपटा नहीं खाना चाहते हैं और तुम भी ना खाओ तो बेहतर है। हाँ तो क्या करूँ, उबला हुआ खाना खाना शुरू कर दूँ क्या? तुम तो शादी से पहले ही जानते थे ना कि मुझे चटपटा खाना कितना पसंद है, फिर अब क्यों दिक्कत हो रही है? मैं चटपटा खाना नहीं छोड़ूंगी, सुना है आप दोनों ने? आपको नहीं खाना तो आप लोगों के लिए कुछ और बना दिया करूंगी, फीका मरीजों वाला। पर प्लीज आज के बाद आप दोनों मुझसे मेरे चटपटे खाने को लेकर कुछ मत कहना। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अनिका रुद्र और रीमा के लिए सादा खाना बना देती है और अपने लिए मस्त मसाला डाल कर चटपटा खाना बना लेती है। ऐसे ही एक रात अनिका अपने लिए चटपटे मसालेदार मंचूरियन बनाती है और खाते हुए बोलती है, पता नहीं लोग क्यों बोरिंग खाना खाते हैं। अरे खाना है तो चटपटा खाओ वरना मत खाओ। अरे समझ नहीं आता मम्मी जी और रुद्र को सादे दाल चावल खाने में क्या मजा आता है। अरे कितना मजा आता है चटपटा खाने में, दिल मन आत्मा तीनों को तृप्ति मिल जाती है। रात को उठकर वह वॉशरूम की तरफ भागती है और जल्दी से फ्रेश होकर आती है। अभी उसे आए एक मिनट भी नहीं होता और वह फिर से वॉशरूम की तरफ भागती है। लगातार यही सिलसिला चलता जाता है और अनिका थक कर खुद से कहती है, हे भगवान क्या हो रहा है, आज से पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। समझ नहीं आ रहा कहीं मंचूरियन खा के मुझे एसिडिटी तो नहीं हो गई? पर मैं तो हमेशा से ही चटपटा खाती हूँ, उससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। हाय अनिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से मरोड़ उठता है और वह वॉशरूम की तरफ भागती है। अब अनिका फिर से फ्रेश होने जाती है तो उसे ब्लीडिंग होने लगती है। पेट की हालत देख कर वह रीमा के पास जाती है। रीमा और रुद्र उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर अनिका का इलाज करते हैं और बताते हैं, जी देखिए शायद आपकी वाइफ जरूरत से ज्यादा चटपटा मसालेदार खाती है, जिस वजह से उन्हें मेजर पाइल्स का इशू हो गया है और उनका इंटेस्टाइन सिस्टम बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ चुका है। शायद उनकी बॉडी में पहले भी सिम्टम्स होंगे पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लगातार चटपटा खाना जारी रखा, जिस वजह से प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। अब हमें जल्दी उनको ऑपरेशन करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से अनिका को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। अनिका का ऑपरेशन किया जाता है। कुछ घंटों बाद जब अनिका को होश आता है तब डॉक्टर अनिका को सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद अनिका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह रुद्र और रीमा से उनकी बात ना मानने के लिए माफी मांगती है। अब ऑपरेशन के बाद अनिका को सदा जिंदगी के लिए केवल सादा खाना खाना पड़ता है। अब उसका चटपटा खाना हमेशा के लिए छूट जाता है।